राम होगा वही जिसे चाहोगे राम अपने स्वामी को सेवक क्या समझाएगा अपने सागर में तैर रहे पत्थर ये पाए इनमें भरते विशाल पवन तनय सुत मारुति
आए अंजनी द्वार रुद्र अंजनी के घर जन्मे रुद्र अंजनी के घर जन्मे धराना तो ऐसा हो रुद्र अंजनी के घर जन्मे चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मंगलवार प्रभु जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मंगलवार प्रभु जन्म भारे सूरज मुख बचपन में भरे सूरज मुख बचपन में राम संग खेले अवधपुरी सहाय सुग्रीव के है बने राम संग खेले अवधपुरी सहाय सुग्रीव के है बने सुग्रीव से मिलाए राम लखन सुग्रीव से मिलाए राम लखन संदेशा सिया का प्रभु को दिया संदेशा सिया का प्रभु को दिया लक्ष्मण को शक्तिमान लगी पूरी जब भीषण युद्ध भारी लक्ष्मण को शक्तिमान लगी संजीवन लाकर जीवन दिया संजीवन लाकर जीवन दिया Hey, 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 hey,
कीर्तन है वहां से आगे लेकर जाएंगे जब तक समय है चलते हैं वहां से विषय को बढ़ाते हैं धर्मराज अवधपुरी आए श्री राम से कहे समझाए तेरा काज हुआ है पूरन जब समय जाने की आए उसको जाए राज दिए है गमाना किया सुनो श्री राम कथा सुनो श्री राम कथा धर्मराज अवधपुरी आए श्री राम से कहे समझाए जीने की आए कुछ गो गाए राज दिए है जमाना किया सुनो श्री राम कथा सुनो श्री राम कथा जाने से पहले हनुमान को श्री राम उपदेश दिया चारे युग में रहना तू भक्तों की रक्षा करना तू मैं मिलूंगा द्वापर में भीषण युग महाभारत में मैं मिलूंगा द्वापर में भीषण युग महाभारत में संकेत धाम श्री राम गया है रवि ने रचा सुनो श्री राम कथा 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 सुनो श्री
أرجونا
कोई फर्क है जाई अर्जुन का कर बुलाने आए हनुमत बलशाली हुआ युद्ध अति भारी सुनो मेरी दुबारी महाभारत हुआ द्वापर चला बजरंगी द्वापर चला बजरंगी द्वापर चला बजरंगी द्वापर चला बजरंगी रथ पर विराज आप मारे करण जब बाण को नहीं रथ है डोल अपार मन में अर्जुन विचार करे मेरा रथ में शक्ति अपार श्री कृष्ण तब अर्जुन से कहता है बखान रथ ऊपर महावीर खड़ा
जिनकी ध्वजा है लाल भीम का अर्जुन भीम अर्जुन को प्रभु ने दोनों का है गर्व मिटाए द्वापर में हनुमान जी लीला अनंत दिखाए आज समय की दौड़ में पूरी कथा नहीं बता पाऊंगा मैं समय भागा जा रहा है थोड़ा कलयुग की कथा सुनाऊंगा मैं अरे क्या नारुद्री अवतार पल पल में सहाय करे तुलसी को हनुमान ब्राह्मण का पुत्र जिलाने हनुमान यमपुर को पधारे तुलसीदास से कहे हनुमाना नहीं चिंता करो घब प्यारे उस बालक को लाऊंगा मैं उसको आज बचाऊंगा मैं सुनो ये है वचन मेरा चला यमपुर चला चला यमपुर चला ब्राह्मण का पुत्र जिलाने हनुमान यमपुर पधारे तुलसीदास से कहे हनुमाना नहीं चिंता करो हे प्यारे उस बालक को जलाऊंगा मैं उसको आज बचाऊंगा मैं सुनो ये है वचन मेरा चला यमपुर चला बालक यमपुर में नहीं रहा यमराज ने वचन सुनाया चाहो तो ढूंढ के देख लो हनुमत विचार लगाया पूरा यमपुर छान दिया लेकिन बालक नहीं दिखा अभी को नाम हनुमत खड़ा चला यमपुर चला अति क्रोध में हनुमत सारा नगर पूछ में अपने लपेटा बालक संग सारा यमपुर को आज मैं नष्ट करूंगा धरती अंबर कांपा उठा बालक के प्राण में छोड़ दिया लिया बालक को हनुमत चला लाल देह है ध्वज लाल रूप बिकराल मेहंदी पुर वाला लाल देह है ध्वज
Thank you.
ترجمة نانسي قنقر.